नमस्ते, मैं कुणाल हूँ। मैं स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख से बात कर रहा हूँ। यहाँ पे सिचुएशन अभी बहुत ज्यादा क्रिटिकल है। 6,000 से ज्यादा केसेस अभी तक डिटेक्ट किए जा चुके हैं, 50 से ज्यादा लोग मर गए हैं और पूरा का पूरा शहर ऑलमोस्ट लॉकडाउन में है। बस जरूरत की सामानें मिल रही है सुपरमार्केट्स में, वो भी बहुत ज्यादा खत्म हो चुकी है ऑलमोस्ट। फार्मेसी खुला हुआ है। स्विट्जरलैंड ही नहीं, पूरे के पूरे यूरोप का यही हाल है। चाहे आप जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, इटली, इंग्लैंड, कहीं की भी बात कर ले, सभी के सभी देश स्ट्रगल कर रहे हैं बहुत ज्यादा। यहाँ पे ये सब हुआ क्यों? क्योंकि अभी से 15-20 दिन पहले लोग इसको बहुत ज्यादा लाइट ले रहे थे कि कुछ होने वाला नहीं है, हमारा इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग है, और वो मजाक में ले रहे थे, यार ठीक है ये बस चाइना तक रहेगा या ज्यादा कोई क्रिटिकल नहीं बनेगा। बट आज यहाँ पे लोग भुगत रहे हैं वही इसी चीज के लिए। पूरा का पूरा सड़क खाली है, कोई कहीं पे भी नहीं दिख रहा है। स्टिल डेली 1,000 केसेस निकल के आ रहे हैं। सो मैं सभी से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि इंडिया में जो भी है बहुत ज्यादा अपना ख्याल रखिए। हमारे यहाँ पे मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इनके जैसा नहीं है। हमारे यहाँ 1.3 बिलियन लोग हैं और आप सोच के देखिए, जस्ट 1% भी उसका, 1 करोड़ के लिए भी क्या हमारे पास हॉस्पिटल्स, डॉक्टर्स, मेडिसिन्स, आईसीयू, वेंटिलेटर्स, ये सब है क्या? खुदा ना खास्ता अगर हो गया तो हमारे पास बिल्कुल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं कि हम पेशेंट्स को सपोर्ट कर पाए। जो भी यंग लोग हैं, बूढ़े लोग हैं, सबको अभी कंप्लीट लॉकडाउन करके घर पे बैठ जाना चाहिए। क्या होगा अगर 10-15 दिन आप नहीं कमाओगे? तो भूखे नहीं मरेंगे लोग अगर 10-15 दिन नहीं कमाएंगे तो, कुछ भी नहीं जाने वाला है। बिल्कुल अपने आप को लॉकडाउन कर लीजिए। और इस बीमारी में सबसे खराब बात यह है कि इसमें कुछ दिखता नहीं है, कुछ पता नहीं चलता है। सिम्टम्स भी 14-15 दिन तक आ सकते हैं। आप खुद को भी लोगे और अपने आसपास के दोस्तों को, फैमिलीज को भी स्प्रेड करोगे। तो कोई ऑप्शंस नहीं है हमारे पास अभी। हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं कि हम इसको रोक पाए। एक ही ऑप्शन है कि हम खुद को, अपने आप को आइसोलेट कर ले, घर में लोग अपने आप को बंद कर ले। वरना अगर ये फैल गया तो इंडिया में भगवान भी इसको नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि हमारे पास वैसा कोई भी फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन को हम लोग रोक पाए। बिहार, यूपी, वेस्ट बंगाल जैसे स्टेट में करोड़ों में लोग हैं, हर शहर में 20-30 लाख लोग हैं, जहां पे एक एक हॉस्पिटल्स है, वहां पे क्या ये पॉसिबल है कि इतने सारे लोग को सपोर्ट करना, मेडिकल ट्रीटमेंट अवेल कराना इन लोगों के लिए? बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। ये हम सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक एक लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि खुद को भी सेफ करें, अपने फैमिलीज को भी सेफ रखें। वरना अगर ये फैल गया तो फिर लाशें दिखेगी। और मैं आपको एक बात सच बता रहा हूं कि अगर ये आज रुका नहीं, तुरंत के तुरंत लोगों ने अगर अपने आप को आइसोलेट नहीं किया तो बहुत बुरी स्थिति आ जाएगी आज से 10-15 दिन बाद। क्यों हम गवर्नमेंट का वेट कर रहे हैं कि गवर्नमेंट लॉकडाउन करेगा, गवर्नमेंट कर्फ्यू लगाएगा? जो लोग समर्थ है, जो लोग अपना दुकान 10-15-20 दिन बंद रख सकते हैं, क्या वो खुद इनिशिएटिव लेके दुकान को बंद नहीं रख सकते हैं? बाहर आना जाना रोक नहीं सकते हैं? जो यूजलेस हम बाहर घूमते हैं वो सब बंद नहीं कर सकते हैं? मैं मानता हूं कि डिफिकल्ट है और पूरा दुनिया इससे भी स्ट्रगल कर रहा है, पूरा का पूरा यूएस, यूरोप, मिडिल ईस्ट, सभी जगह ये बहुत ही स्ट्रगल कर रहा है। बट वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शंस रादर देन टू जस्ट सिट एट होम। सो प्लीज, दिस इज माय रिक्वेस्ट कि सभी लोग घर पे आप लोग रहिए, जितना ज्यादा दूर हो सके, जितना ज्यादा बाहर जाना अवॉइड कर सके, प्लीज 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 आप सभी लोग कीजिए। थैंक यू। और हम लोग एक दिन जरूर इससे बाहर निकलेंगे। जय हिंद।